सड़क से ही डटे रहे किसान। गन्ने की कीमत जो हुए वादे नु लेके कितना कितने नाखुश ने असंतुष्ट किसान नजर आ रहे। शुगर मिला नु भी चलाउन दी मांग किसान दे वलो कीती जा रही। हालांकि रात वेले किसान ने पुलिस नाल सहमति तो बाद एक पासे दा राह खोल दिता सीगा ते जो गन्ने दे रेट नू लेके किसान धरना लगातार जारी। मौके दी तस्वीरां तुहानू विखा रहे हैं। कल ही सीएम भगवंत मान दे वलो ट्वीट किया गया सीगा 380 रुपए तो लेके 391 रुपए रेट कट दिता गया सीगा। 11 रुपए का इजाफा किया गया सीगा। पर जो किसान सीगे ਉਹ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟ ਸੀਗੇ। ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ 'ਚ ਧਰਨੇ ਤੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੋ ਹੇਠਲੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਵੇਰ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਤੇ ਜੋ ਰਸਤਾ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਨੇ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦੱਸਦੇ ਕਿ ਆ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਨਾਖੁਸ਼ ਨੇ ਗੰਨੇ ਦੇ ਰੇਟ। देखो जी अजे कोई फैसला नहीं होया। एक सहमति बनी है कि एक अद्धा ट्रैक्टर असीं सट पाया ते बाकी सवेर दा प्रोग्राम जिथे बंदे इत्थे बैठ के ते ओह लिखण गए। इह साडा फैसला है। बच्चों वास्ते अद्धा अद्धा पासा उह सट पाया ते अज वी बच्चों नूं डक्या नहीं गया। जिन्हें बच्चों दीआं बसां सीगीआं जां लोड़बंद सीगे जां जिहड़ियां एंबूलेंस सीगीआं उहनां नूं आउण दित्ता गया, किसे नूं डक्या नहीं गया। देखो किसानों वाला सवेर की गलबात चल रही थी। डीसी साहब एसएसपी साहब सारा प्रशासन इतने से किसानों ने हम इन्नी सहमति बनी है भी रोड का एक पासा जो चला दें। उस तो बाद अगले दौर की मीटिंग होगी। मीटिंग तो बाद जो जो भी इन्होंने थोड़ी बहुत मंगा रह गई पूरी करके आ रोड भी चलवा देंगे। बिना मेरे सहयोगी विजय सरारिया फोन लाइन से जुड़े हुए। विजय गन्ने के रेट नूं लैके किसान एक बार फिर तो नाखुश ते मुकेरिया डटे हुए ने सड़कां ते। जी सब जो मैं दसना चाहूंगा कि कल सवेरे 10 बजे पे किसान लगातार सड़क से बैठे रहे ने ते दो बार चार बार जी है गलबात जी प्रशासन दे ते किसानों दे विच विचार चली है पर कोई भी इहदा नतीजा नहीं निकलिया। जब देर शाम तक किसानों वालों जिहड़ा कि रोड जाम किया होया सी ते ट्रैफिक की भारी समस्या पुलिस में भी सामना करना पै रहा सीगा। सारे पासे जिहड़े आपां गल करिए दसूहा मुकेरियां हाजीपुर तक सारा जाम लग चुकिया सीगा ते रात देर रात नूं जाके जिहड़ा आ पुलिस से इन्हां विचकार गलबात चली ते लाठीचार्ज के आसार तक बन चुके थे क्योंकि एसएसपी होशियारपुर के डीसी मैडम कोमल मित्तल भी उत्थे पहुंचे थे ते उन्हां वल्लों भी किसानों नूं मनाने की कोशिश की गई। बहसबाजी भी हुई ते उस तो बाद देर रात जिहड़ा आ किसानों वल्लों रोड एक पासों क्लीयर कर दिता गया ते हुण फिलहाल वो एक साइड रोड से बैठे हुए ने मिल के बिल्कुल सामने। जी सर मौजूदा तस्वीर की है विजय इस वक्त जो है अज की आप गल करिए अज जिहड़े आ किसान इस वक्त रोड के एक साइड से बैठे हो तो एक साइड तो जी ट्रैफिक चल रही है पर आज जो इन्हों का किसानों की रणनीति है वो हैगा कि भगवंत मान साहब का जो प्रोग्राम है गुरदासपुर इतों हूँ किसान सारे कट्ठे होकर ट्रालियां भर के गुरदासपुर कूच करे उस भगवंत मान साहब का जो प्रोग्राम है उत्थे पहुँच के उन्होंने झंडिया दिखाएंगे काली झंडिया। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया विजय सानू तमाम जानकारी देने। तस्वीर तुम विखा रहे मुकेरिया ने मेरे सहयोगी जिक्र कर रहे थे किसान के वालों कल सवेरे 10 बजे तो ही धरना दिता जा रहा है। कितना कितने गन्ने का रेट जो बताया गया उस तो नाखुश नजर आ रहे। पंजाब अज तो शुरू हो गया शुगर मिला चलन गया। दस नवे रेट मुताबिक अज शुगर मिला ने अज चलन गया 391 रुपए प्रति क्विंटल नवा रेट किसानों मिलेगा। ते कल ही पंजाब सरकार ने आ रेट का वादा किया सीगा इजाफा किया गया सीगा। सीएम भगवंत मान ने खुद ट्वीट करके इस बाबत जानकारी दी सीगी। दस दिए कि गन्ने के रेट 11 रुपए का वादा किया गया सीगा ते हुण पंजाब च गन्ने का रेट देश नालों सब तो वध है। पर इस नूं लैके जो किसान ने कितना कितने नाखुश ने असंतुष्ट ने कल सीएम भगवंत मान दे वालों सवेरे वेले ही ट्वीट किया सीगा। इस दे विचाले गन्ने के रेट नूं लैके इजाफा किया गया। तो दस दिए कि पंजाब अज तो चलन गया शुगर मेला। नवे रेट मुताबिक आज शुगर मेला पंजाब चलन गया 391 रुपए प्रति क्विंटल नवा रेट किसानों को मिलेगा गन्ना काश्तकारों को मिलेगा। हालांकि जो गन्ना काश्तकारों वालों पिछले दिनों ही धरना प्रदर्शन किया गया सीगा हाईवे जाम किया गया सीगा ते जो धरना भी लगाया गया सीगा रेलवे ट्रैक से उसके बाद सीएम तो आश्वासन मिलता है ते काम सीएम दे वालों गन्ने के रेट में लैके जो है ऐलान किया जाता है। गन्ने की रेट की गल करिए पंजाब गन्ने का रेट 391 रुपए है, हरियाणा च 386 रुपए है, उत्तर प्रदेश 350 रुपए है। इस विचाले जो गल करिए महाराष्ट्र 315 रुपए। पंजाब सब तो वध गन्ने का रेट कर दिता गया है
391 रुपए गन्ने का रेट कर दिया गया है। विचाले पूरे ही देश पंजाब का जो रेट है गन्ने का सब तो वध है, पर कितना कितने जो किसान ने असंतुष्ट नजर आ रहे। पंजाब अज तो चलन गया शुगर मेला, नवे रेट मुताबिक जो शुगर मिला चलन गया। जो गल करिए गन्ने के रेट की, सुबह पंजाब सूबे जो गन्ने का रेट है 391 रुपए कर दिता है, पहले 380 सी, 11 रुपए इजाफा किया गया है। हरियाणा च गन्ने के रेट की गल करिए 386 रुपए गन्ने का रेट है प्रति क्विंटल। उत्तर प्रदेश की गल करिए 350 रुपए प्रति क्विंटल गन्ने का रेट है। महाराष्ट्र च 315 रुपए गन्ने का रेट है। सब तो वध जो गन्ने का रेट है प्रति क्विंटल पंजाब च कट। ट्रैफिक से जरिए तुम दस रहे हैं कि कि सूबे च किन्ना किन्ना गन्ने का रेट है। पंजाब सब तो टॉप से है, पहला 380 रुपए सेगा, हुण इस इजाफा किया गया है पंजाब सरकार के वलों, से हुण प्रति क्विंटल गन्ने की कीमत 391 रुपए पंजाब सरकार के वलों कर दी गई है। अज तो नवे रेट मुताबिक 391 रुपए प्रति क्विंटल है, उसके हिसाब नाल पंजाब शुगर मिला चल। दस दिए कि कल ही सीएम भगवंत मान के वलों बधे हुए गन्ने के रेटा का ऐलान किया। सीएम भगवंत मान ने लिखा सीगा कि 11 रुपए शगन पा रहा। पंजाब 2 लाख मुलाजमान की तनखा रुकी हुई है। दस दिए कि मिनिस्ट्रियल स्टाफ की हड़ताल करके आ तनखा रुकी हुई है, तनखा पहुंच देरी हो रही है। अमृतसर पुलिस कमिश्नर वालों तनखा च देरी की सूचना जारी की गई है। दस दिए 8 नवंबर तो मिनिस्ट्रियल स्टाफ की हड़ताल जा रही है, जो मुलाजमान की तनखा है रुकी हुई है। 6 दिसंबर तक आ हड़ताल जारी है। पंजाब तकरीबन 2 लाख मुलाजमान की जो तनखा है वो रुकी हुई है। दस दिए मिनिस्ट्रियल स्टाफ की हड़ताल करके तनखा रुकी हुई है। मिनिस्टर स्टाफ के वालों हड़ताल की गई है, तनखा पहुंच देरी हो रही है, इस करके 2 लाख मुलाजमान की तनखा रुकी हुई है। अमृतसर पुलिस कमिश्नर वालों तनखा च देरी की सूचना दी गई है। 8 नवंबर तो मिनिस्टर स्टाफ जो है हड़ताल से चल रहा है, 8 दिसंबर तक आ हड़ताल चल रही, इस करके जो 2 लाख मुलाजम ने वो प्रभावित इस साल हो रहे हैं, इस हड़ताल न प्रभावित हो रहे हैं। मेरा मेरे सहयोगी अमन भारद्वाज फोनलाइन से जुड़े हुए हैं। अमन, पंजाब 2 लाख जो मुलाजमा की तनखा रुकी हुई है, मिनिस्टर स्टाफ की हड़ताल जारी है, इन्हों मंगा की कुछ ने मिनिस्टर स्टाफ दी? देखो सर, जो क्योंकि 8 नवंबर तो ये हड़ताल जारी है और इन्हों क्योंकि खास करके मंगा चाहे वह 12% डीए है, एक शुमार है कच्चे मुलाजमान नू पक्का करना, उस तो अलावा जो पेंडिंग इन्हों खास करके बिल ने या जड़िया डीए 12% डीए की किस्त लागू करना और जी 2014 की स्कीम है उसनू लागू करना, तो यह इस मुख्य तौर पर मंगा है, है। और उस तो अलावा जिन्या खास करके क्योंकि पंजाब के करीब डिपार्टमेंट ने जोड़े हड़ताल से ने और उन्होंने स्टाफ क्योंकि जिन्ना मिनिस्ट्रियल स्टाफ है चाहे वह रेवन्यू डिपार्टमेंट है फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो वह सारे डिपार्टमेंट जोड़े ने उन्होंने स्टाफ जोड़ा है वो हड़ताल से, और इस करके कला जी चिट्ठी अमृतसर कमिश्नर ने जारी की है, कला अमृतसर ही नहीं उस तो अलावा जिन्हें जिले पंजाब के 23 जिले हैं तो उत्थे स्थिति बनी हुई है। और सीधे शब्दों ये कह सकते हैं कि जिले का चाहे SSP है चाहे एक कमिश्नरेट चाहे वह अमृतसर या लुधियाना, तो उत्थे कमिश्नर ऑफ पुलिस तक जी है उन्होंने सैलरी रुकी हुई है।